हेलो फ्रेंड्स, आईडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मिसिंग व्यू के बारे में बताऊंगा कि मिसिंग व्यू आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से दिया होता है, ठीक है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू दिया होता है या फ्रंट व्यू, टॉप व्यू दिया होता है। तो आपको क्या होता है कि एक व्यू आपको फाइंड करना होता है, जैसे कि आपको एक व्यू पता करना होता है। तो उसको पता करने के लिए, जो भी व्यू आपको पता करना है उसको पता करने के लिए, या तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, या तो एक मेथड और है कि यहाँ पर एक 45 डिग्री कोण पर आप बना के आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप या तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाने की कोशिश करिए। तो मान लीजिए ये हमारा फ्रंट व्यू है और साइड व्यू है, तो देख सकते हैं कि डायमेंशंस भी दिए हैं। तो डायमेंशंस जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके डायमेंशंस भी दिए होते हैं, और साथ में लिखा होता है कि किस कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है कि साइड व्यू है कि टॉप व्यू है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें टॉप व्यू पता करना है। तो ध्यान में देखिएगा, जब भी हम व्यू को फाइंड करते हैं, किसी भी व्यू को, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा व्यू फाइंड करना है। अगर साइड व्यू फाइंड करना है तो फ्रंट व्यू के ठीक लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में बनेगा। अगर टॉप व्यू फाइंड करना है तो फ्रंट व्यू जो देख रहा है, फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ हमारा टॉप व्यू बनेगा, न कि साइड व्यू के ऊपर हम टॉप व्यू को हम क्रिएट कर दें, ठीक है, सॉल्व कर दें। तो ये हमारा पूरी टोटली, अगर सही है भी तो वो गलत क्वेश्चन हो जाएगा, जीरो मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए, आप उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अगर फ्रंट व्यू हमें टॉप व्यू नहीं दिखाई दे रहा है, टॉप व्यू हमें पता करना है, तो पहला क्या है कि हम क्या करते हैं, इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आइसोमेट्रिक व्यू नहीं बना पाते हैं तो आप यहाँ से 45 डिग्री के कोण एक बना लीजिए, एक यहाँ से जो 90 डिग्री का है, या फिर डिवाइड कर दीजिए टू भाग में, यानी 45 डिग्री के कोण बना दीजिए और ये लाइन को उस टच करते हुए इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, इसका हम आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू हम जब भी ड्रॉ करेंगे, तो अगर हम यह देख सकते हैं कि हमारा जो साइड व्यू है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यानी हमारा फ्रंट व्यू है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हमारा ड्राइंग बनेगा, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू हम बना रहे हैं, इसका आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू कुछ इस तरीके से हमारा आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट है, ठीक है, ये हमारा फ्रंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमारा फ्रंट है, ये हमारा जो फ्रंट है, देखो फ्रंट बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है। अब हमारा साइड व्यू हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, तो जैसे देख सकते हैं कि ये आइसोमेट्रिक व्यू इसका बन गया है। तो जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका आइसोमेट्रिक व्यू आप आसानी से बना सकते हो। बस आपको देखना क्या है कि फ्रंट व्यू में क्या दिया है, तो फ्रंट व्यू में एल आकार का दिया होगा, ठीक है। तो हमारा फ्रंट व्यू की साइड है लेफ्ट हैंड साइड में है, और साइड व्यू राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि साइड व्यू है, ठीक है। तो अब हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बन गया, तो हम आसानी से जो टॉप व्यू है हम बना सकते हैं, यानी हमें ये टॉप व्यू बनाना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट तरीका हो गया। और सेकेंड तरीका क्या हो गया कि हम क्या करेंगे, यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर हम एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये जब ड्रॉ हो गया तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन को इसको टच करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से आपको टच करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन यहाँ पर टच हो गया, और ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, और ये वाला लाइन समझिए, ये वाला लाइन यहाँ पर टच हो गया है। तो यानी हमारा दो पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दो पॉइंट, ठीक है। ये वाला लाइन हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाला लाइन नहीं जाएगा, सिर्फ ये दो लाइन ही जाएगा, जो ऊपर की तरफ जाएगा ये दो लाइन जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री के कोण पर हम मोड़ देते हैं। तो यहाँ से 90 डिग्री के कोण पर हम मोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये वाला
लाइन। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा और यहाँ तक 50 है, तो 50 मैंने ड्रॉ कर दी। अब ठीक यहाँ से ये जो दूसरा पॉइंट है, देखिए ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हमें पता चला है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से भी हम क्या करेंगे 90 डिग्री के कोण पर हम ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा लाइन क्लियर जाएगा, ए यहाँ 50 mm। अब हम इसको हम क्या करेंगे ड्रॉ कर देंगे, इसको हम मिला देंगे। ये वाला देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन हमारी सेम होनी चाहिए, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी सेम होनी चाहिए। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायमेंशन दिया हुआ है फ्रंट व्यू का 50 mm, तो ये भी हमारा 50 mm ही होगा। ठीक है, अब हमें क्या क्या था कि टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू में अब हमें ये वाला तो नहीं दिखेगा, ये वाला एरिया यानी ये वाला एरिया हमें दिखेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस वाले लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन है यही लाइन हमारा ऊपर की तरफ से कुछ इस तरीके से अब दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पहला तरीका ये है। ठीक है, और ये हमारा दूसरा तरीका है। तो ये दो तरीके से आप किसी भी व्यू को फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो फ्रंट व्यू हो, चाहे साइड व्यू हो, चाहे वो टॉप व्यू हो। तो अभी इसका हम टॉप व्यू फाइंड कर दिए कि हमारा जो टॉप व्यू बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम इसका डायमेंशंस को दे देते हैं, तो हम डायमेंशंस में क्या देंगे। ठीक है, तो डायमेंशंस में हम यहाँ पर ये जो डायमेंशंस है, ठीक है, यहाँ पर ये जो डायमेंशन 40 mm, हम यहाँ पर इसको दे देते हैं। आपको डायमेंशंस देना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि जो व्यू पूछा है उसका भी डायमेंशंस आपको देना है, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने जो बनाया है सही बनाया है। ठीक है, तो हम इसको हम डायमेंशन दे देते हैं 40 mm। ठीक है, तो हम इसको हम 40 mm डायमेंशन देते हैं। अब इसका हम डायमेंशन देंगे, ठीक है, तो इसका हम डायमेंशन देंगे 50 mm। यहाँ से अब हम इसका कुल डायमेंशन दे देंगे 50 mm। ठीक है, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं 50 mm। ये आप एकदम नीट एंड क्लीन बनाइएगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 mm है, तो आप यहाँ पर भी 10 mm आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ये हमारा 10 mm है। इसको हम क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्लेन है चाहे टॉप है, टॉप बनकर रेडी हो गया। ठीक है, तो हमें यही पता करना था मिसिंग व्यू में टॉप व्यू। ठीक है, तो फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ हमें पता करना था। तो ये कुछ इस दो तरीके हैं, आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी व्यू। ठीक है, आसानी से, तो बहुत ही ईजी था, बहुत ही सरल था, और मैं आपको समझाने की बहुत कोशिश की। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये इस टाइप का जो भी वीडियो है मैं अपडेट देता रहता हूँ, क्योंकि मिसिंग व्यू एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, सेकंड ईयर में पूछे जाते हैं अक्सर, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, किसी भी ईयर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रीशियंस चाहे वो फिटर हो, चाहे वो डिप्लोमा के क्वेश्चंस में भी, जो डिप्लोमा के ड्राइंग में क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमारा 15 से 20 मार्क्स के ही होते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से सॉल्व करते हैं मिसिंग व्यू। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा।